गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस ऑफ आवर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अपने ने जो पहले लास्ट लेक्चर में जो थ्री टाइप्स के रूल्स डिस्कस किए थे, ऑफ वो रूल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड रूल्स, वो सब मिलके अपने क्या करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उन सब से मिलकर ये टॉपिक बना हुआ है। तो देखो, अपने पहले इसका मीन पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने मीन लिखते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ये इसका मीन है कि जो ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको डिस्कस करने के लिए अपने को टू वेज फॉलो करने होंगे। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट जो मेथड है इसका, और वो है नोटेशन मेथड। अब ये नोटेशन क्या होता है, चेक करो। आपने ऑर्बिटल डिस्कस कर लिए, फोर टाइप के होते हैं, एस पी डी एंड एफ, फोर टाइप के ऑर्बिटल आपने स्टडी कर लिए। इसमें आपने ये देखा होगा, अब अपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, और किस में, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स अपने ये हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ ए बी सी या एक्स, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये सपोज की हुई है। क्या है? सपोज की हुई है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं नोटेशन मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूं तो मैं इस टाइप से शो करूंगा। ओके, इसमें क्या है, एस पी डी एफ जो है वो तो है फोर टाइप के ऑर्बिटल्स, और यहां पर ऊपर मैंने ये ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी मैंने लिखा है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अभी अपने क्या करेंगे, आज जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपने कैसे फिल करेंगे, पूरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और सब नियम को फॉलो करेंगे। कौन कौन से रूल्स, जो रूल्स अपने पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे, और वो कौन से हैं, ऑफ बोर रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड है हुंड्स रूल, और उसके बाद में एक रूल और अपनों ने डिस्कस करना था, एन प्लस एल रूल। वो जो रूल है उसके लिए पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना है, फिर अपने क्या करेंगे उसमें, उसके बाद क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर के बाद वो रूल अपने जब स्टडी करेंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो देखो, फर्स्ट मेथड जो है वो है नोटेशन मेथड, सेकेंड जो है वो है ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। कौन सी है? ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। अब ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, देखो, एस जो ऑर्बिटल है इसके लिए अपने ऐसा कॉलम बनाएंगे वन, पी जो है वो थ्री टाइप का होता है, आपको पता है, कल अपने बना चुके हैं ये कॉलम वैसे लास्ट लेक्चर में। पी जो थ्री टाइप का होता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। उसके बाद डी जो है वो फोर टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, डी कितने टाइप का होता है, फोर टाइप का। तो इसको अपने ऐसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेथड है वो है ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल के अपनों ने क्या बना लिए, डायग्राम बना लिए। अब इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए ऐसे एरो लगाएंगे, रिवर्स एरो लगाएंगे, ओके, अपोजिट एरो लगाएंगे, और इस सभी में अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। अब यहाँ पर मैंने टू रिवर्स एरो लगा दिए, इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज इक्वल टू टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, टू। और आपको ये पता है कि एस जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू फिल कर सकते हैं, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये देखो, टू फोर और सिक्स इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर फिल कर दिए।
उसके बाद डी में जो है आपको ये पता है कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर सकते हैं, 2, 4, 6 और ये हो गए 10, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जो मैंने एरोज जो लगाए हैं ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर अपने नोटेशन मेथड से डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्बिटल्स के ऊपर कुछ नंबर नोट करूँगा और वो नंबर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे कि कौन से ऑर्बिटल जो है या कौन सा एलिमेंट जो अपने लेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कैसे फिल कर किए जाते हैं। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको एक टेबल बनानी है। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसको याद कीजिए, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक वो पीरियोडिक टेबल से ही होगा। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी तब तक आप कैसे करोगे, क्योंकि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, ऑर्बिटल्स में। किसके ऑर्बिटल्स के, एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स में। तो देखो सबसे पहले अपने लिखते हैं एलिमेंट्स, फिर कॉलम बनाएंगे अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर कॉलम बनाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा बड़ा वर्ड बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस शॉर्ट में लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे की फिर यही चलेगा, कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। ये जो कॉलम होगा उसमें आएगा एलिमेंट्स, ये कॉलम होगा उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने ऐसे टेबल बनानी है, ओके। तो देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट, अच्छा आपको एक बात ये भी पता होगी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना आपने। अगर कोई भी जो न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसमें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो देखो अब अपने आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने, और फर्स्ट जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का वो होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है, हाइड्रोजन। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1, क्या होते हैं, 1। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए अपने को एक सीरीज चाहिए, और सीरीज कौन सी चाहिए, सीरीज वो चाहिए जो आपने ऑफ बोर रूल्स में डिस्कस किया था। और ऑफ बोर रूल था वो था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, और आपने जो एनर्जी लेवल का जो रूल बनाया था वहाँ पर अपने को कुछ बनाना है, वैसे के वैसे बनाना है। आप लोग क्या करोगे, वैसे एनर्जी लेवल बनाओगे और उसमें ऑर्डर बनाओगे। ऑर्डर कैसे बनाओगे वो आपने बताया, लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर चेक कर लेना, उसमें ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे ये एनर्जी का ऑर्डर है। कुछ मैंने लिख दिया, बाकी आप अपने आप नोट करोगे, ओके। तो देखो हाइड्रोजन जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। और आपको इसके अलावा और क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके। अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ओके। हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये इसका सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने किस में फिल करेंगे, इसके अंदर। और मैं नोटेशन मेथड से बता रहा हूँ, जब अपने नोटेशन मेथड अभी मैंने आपको बताया था उसमें जो ऑर्बिटल होंगे उनके ऊपर अपने क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लिखा मैंने 1s1, ये जो ऊपर 1 लिखा है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी 2s में अपने कब जाएंगे, जब 1s जो ऑर्बिटल है वो पूरा फिल हो जाएगा, ओके। तो देखो कम्प्लीटली फिल जब हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट होता है हीलियम,
उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1s2, 1s1 फिर 1s2, s में टोटल कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब अपने कहां पर पहुंचेंगे, 2s में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, 2s में, थर्ड जो है Li लिथियम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा मैं 1s2, ये तो पूरा फिल हो गया, उसके बाद इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन 2s1, तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, देखो 1 यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ये रहा 1, 2, 2, 3, काउंट कर लो इनको, 2+1 टोटल कितने हो गए, 3, ऐसे फिल करने हैं अपने। अब मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फोर्थ पॉइंट Be, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूंगा, 1s2, 2s2, अब ये मत सोचना आप कि सर 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो 2s में 4 हो जाएंगे, माइंड मत यूज करना खुद का, ओके। तो देखो s जो है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए, s जो है वो 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, कोई सा भी x है, s ऑर्बिटल है, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही फिल करेंगे अपने। उसके बाद देखो फिफ्थ Be, इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2, अब देखो 2s ये हो गया फिल, ये एक एनर्जी का ऑर्डर ही तो लिखा है अपनों ने ओबो रूल्स के अकॉर्डिंग, तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2s में कितने आएंगे, 2 फिल कर दिए, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, जब कम्प्लीट फिल्ड हो जाएगा उसके बाद अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे, तो अब आता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 6 एलिमेंट होता है कार्बन, कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन फिल करो 1s2 2s2 2p 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे, 6, जब P में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर देंगे उसके बाद अपने जाएंगे 3s पर, ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, चेक करो नेक्स्ट एलिमेंट, चेक करते अपने 7 नंबर एलिमेंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन, जब उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिल कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p 3, कितने फिल कर दिए अपने, 2p 3। उसके बाद 8 जो एलिमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8, 1s2 2s2 2p 3, और फिर आगे नेक्स्ट कितने फिल करेंगे, 4। उसके बाद 9 नंबर जो एलिमेंट होता है वो होता है F, फ्लोरीन, 9, 1s2 2s2 2p 5, ओके। अब देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपने मैक्सिमम, अभी तक कहाँ तक पहुँच गए अपने, 5 तक, और P में टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आने के बाद में P क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 10 नंबर इलेक्ट्रॉन होता है टेन नंबर एलिमेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। उसके बाद अपने बात करते हैं 1s2 2s2 2p 6, अब देखो 2p भी क्या हो गया, फुल हो गया, अब अपने जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में, 3s में जाएंगे, तो n a 11 नंबर एलिमेंट जो है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, 1s2 2s2 2p 6, 2p6 तो आ गया, उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे अपने, 3s में, 3s1, अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो, आप इसको काउंट करते जाओ साथ साथ, 2, ये जो ऊपर मैंने जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 2, 4, 10 और 1, 11, उनको टोटल काउंट कर लिया करो,
तो जब उनको काउंट करोगे तो कितने आने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तब तो आपका ऑर्बिटल जो है वो अपने जो फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सही हैं, वरना वो गलत हैं। तो देखो उसके बाद एम जी 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो s में कितने आते हैं, 2 आते हैं, ये भी क्या हो गया बेचारा, फिल हो गया। अब अपने कहाँ पहुँचेंगे, 3s से कहाँ जाएंगे आगे, नेक्स्ट 3p में जाएंगे। 13 नंबर एलिमेंट एल्यूमिनियम, 13 एलिमेंट, 13 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 14 अपने जाएंगे। 14 अब आपको एलिमेंट तो याद होगा, जब एलिमेंट देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के नेम, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर पता होगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे तब आप वो जो आपने 3 रूल डिस्कस किए हैं, ओहबो रूल, हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो 3 रूल अपने डिस्कस किए हुए अगर आपको ध्यान है तो फिर उससे क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जाओगे। तो ऐसे नहीं होगा कि अगर आपको एटॉमिक नंबर और नेम ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता है फिर भी अपने कहाँ पहुँचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो आगे आता है एस आई 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर आता है 3p2। ओके, आगे नेक्स्ट होता है 15। 15 एलिमेंट्स कौन सा होता है, पी फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आगे 16 एस सल्फर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। उसके बाद 17 एलिमेंट होता है Cl क्लोरीन, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 इलेक्ट्रॉन। और अभी अपनों ने कितने फिल कर दिए, पी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल कितने आ सकते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो 18 नंबर जो है Ar, 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो देखो अब यहाँ पर ही ऐसे कंटिन्यूटी रहती है। अब आपको आज एक होमवर्क दिया जा रहा है, और वो होमवर्क क्या है, आप लोगों ने अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसी टेबल बनानी है, और टेबल कहाँ तक कैसे बनानी है बता देता हूँ मैं आपको। 1 to 30 एलिमेंट्स, 1 to 30 एलिमेंट्स के आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने, 1 to 13 एलिमेंट्स के आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप नोट करोगे, इनको अच्छे से लिखोगे। 18 तक मैंने यहाँ पे बना दिए, आप बिना देखे बनाना, पहले इसको टॉपिक को पढ़ना, वीडियो देखना, फिर आप क्या कोशिश करना कि बिना देखे बनाना। हाँ, एलिमेंट्स के नेम आप लिख कर लेना, एलिमेंट्स के नेम आप देख कर लिख लेना, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुद बनाओगे, और मुझे इस नंबर पर आपका होमवर्क व्हाट्सएप करोगे। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे होमवर्क व्हाट्सएप करोगे, ताकि मुझे पता तो चले कि हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो या नहीं देख रहे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।